वेलकम रीडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक और वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस और फंडिंग न्यूज। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेंचमार्क की। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रेड सिग्नल में है दोस्तों। आज सेंसेक्स 60,000 के आसपास चल रहा है और दोस्तों निफ्टी जो 18,000 के नीचे आ चुका है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की प्राइसेस जो है आज गिरी है 200-300 रुपये से। दोस्तों गोल्ड भी गिरा है, 50,000 के नीचे आ चुका है और डॉलर दोस्तों 79.57 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले खबर निकल के आती है टाटा सन्स की तरफ से। दोस्तों टाटा सन्स जो है $500 मिलियन दोस्तों जो है लोन पर लेने वाले हैं फॉरन लेंडर से। यानी दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, SMBC बैंक जो दोस्तों जापान की बैंक है, वहाँ से $500 मिलियन दोस्तों लेने वाले। पहले दोस्तों उन्होंने लिया था टाटा टेलीकॉम सर्विसेज जो है दोस्तों, उनमें जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। और दोस्तों ये जो कुछ हफ्तों में जो है लोन का जो एग्रीमेंट है फाइनल कर दिया जाएगा कंपनी तरफ से। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है गो फर्स्ट एयरवेज की तरफ से। दोस्तों उनका जो ट्विटर अकाउंट था वो हैक कर लिया गया था कल। दोस्तों अब जो है रिस्टोर कर दिया गया। ट्विटर के ऑफिसर्स ने कहा है कि हमारी आईटी टीम की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों विटालिक बुटेरियन का जो नाम दोस्तों आपने सुना होगा, इथेरियम के कोफाउंडर है, उनकी फोटो और उनका इमेज जो है दोस्तों उस और ट्विटर के अकाउंट पे लगा दिया। और दोस्तों जो है इथेरियम दोस्तों डिमांड भी करी होगी, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे ही करते हैं जितने भी हैकर होते हैं, किसी बड़े आदमी का जो फोटो लगाते हैं एलन मस्क वगैरह का और उसके जो है बिटकॉइन वगैरह डिमांड करते हैं फिर ऐसे। लेकिन अब दोस्तों सब कुछ ठीक है और उनका ट्विटर का अकाउंट जो वापस आ चुका है। ट्विटर में दोस्तों जो है बहुत सारे अकाउंट जो हैक होते रहते हैं बहुत ही दिनों में। तो अगले खबर निकल के आती है एप्पल की वेबसाइट दोस्तों डाउन हो चुकी है। दोस्तों कुछ देर के लिए हुई थी, 400 दिन का जो फॉरबिडन एरर दोस्तों एप्पल की साइट पर भी आया था। उनकी जो फोटोज वगैरह थे लोड नहीं हो रही थी, वेबसाइट जो है पूरी तरह से फुली तरह से वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन दोस्तों अब जो कंपनी ने उसको ठीक कर लिया है। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज में दोस्तों जो है ट्विटर के कभी अकाउंट हैक हो जाता है, कभी दोस्तों उनका जो वेबसाइट डाउन हो जाती है, कभी दोस्तों कोई ना कोई ग्लच आ जाता है, कोई रिपोर्ट हो जाती है। दोस्तों ऐसे बड़े बड़े काम कंपनीज में जो छोटे छोटे काम जो होते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोस्तों एप्पल जैसी कंपनीज में दोस्तों उनकी वेबसाइट डाउन हो जाती है। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दोस्तों इस साल जो है 10-12% से ग्रो करने वाली 2023 के अंदर। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जो बैंक दोस्तों जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो मार्केट शेयर उसको दोस्तों खा रही है। पिछले 4 साल से जो है काफ़ी तेजी से बैंक जो है हाउसिंग के लोन्स प्रोवाइड कर रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से दोस्तों जो है मार्केट शेयर को कम कर रही है। 62% जो शेयर है मार्केट शेयर का वो बैंक के पास दोस्तों मार्च 2022 के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दोस्तों बढ़ रही है, लेकिन उनका जो मार्केट शेयर है वो बैंक लेके जा रही है। आजकल बैंक दोस्तों काफ़ी अच्छी जो है होम लोन प्रोवाइड करने लगे हैं, इसीलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो HFC पे जाने के बजाय जो है बैंक पर लोन ले लेते हैं। दोस्तों अगले खबर निकल के आती है रिलायंस रिटेल की तरफ से। दोस्तों उन्होंने जो है अपने शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट किया कि वो दोस्तों अप्रूवल मांग रहे हैं अपनी बिजनेस को और ग्रो करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए। दोस्तों इससे क्या होगा, उन्होंने जो अप्रूवल मांगा है अभी उनकी जो कैपेसिटी है लोन लेने की वो 50,000 करोड़ की है। लेकिन दोस्तों वो चाहते कि और हम लोन लें 1,00,000 करोड़ की, इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर उन्होंने 40,000 करोड़ का वो लोन ले चुके हैं। अब उनकी जो AGM दोस्तों जो एनुअल जनरल मीटिंग है 30 सितंबर को होने वाली है और दोस्तों वो चाहते हैं अपने शेयर होल्डर्स के उनको अप्रूवल दें, जिससे कि दोस्तों वो और ज़्यादा जो है लोन ले सके फ्यूचर के अंदर। दोस्तों अगले खबर निकल के आती है तो जो गवर्नमेंट है वो IDBI बैंक को बहुत ही जल्दी जो है प्राइवेटाइज करने वाली है। दोस्तों गवर्नमेंट जो है उसमें लगभग 45% जो है हिस्सा ओन करती है और दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC जो उसमें लगभग 50% हिस्सा ओन करती है IDBI बैंक के अंदर। अब गवर्नमेंट दोस्तों जो है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी उसको जो है बेच रही है, किसी दोस्तों प्राइवेट प्लेयर को बेच सकती है दोस्तों, किसी और कंपनी को बेच सकती है। दोस्तों अच्छा प्राइस देगा उसी को दोस्तों जो है IDBI बैंक को बेच दिया जाएगा। दोस्तों आज की जो बिजनेस फंडिंग न्यूज़ है आपकी तरफ होती है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।